हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक जरियोला। देखिए कैसा डेकोरेशन किया है। इसको कैसा करना है उसका पूरा डिटेल मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये डेकोरेशन के लिए हमको 7 चीज़ें चाहिए। 1 नंबर का बलून, होली के बलून्स, फिर कलर्स, फिर पिचकारी 2, बेबी की गद्दी, प्लेन कपड़ा और चद्दर। उसके हम आगे कर सकते हैं प्रोसेस। फ्रेंड्स, मेरी बिटिया का 1st मंथ बर्थडे है, उसका आज हम डेकोरेशन करने वाले हैं। उसके लिए मैंने होली थीम पसंद की है, क्योंकि होली का त्यौहार है आज और उसी दिन उसका 1 मंथ पूरा हो रहा है। तो उसके लिए मैं बलून्स लाया हूँ, बहुत सारे बलून्स लेने हैं। उसमें थोड़ा पानी भरेंगे, थोड़ी हवा भरेंगे और उसको रेडी कर देंगे। फिर पिचकारी से पानी भर देंगे और ये हवा भरने का पंप है, उससे थोड़ी हवा भर देंगे। अगर पंप नहीं है आपके पास तो आप मुँह से भी हवा भर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे बलून्स रेडी कर देंगे। अभी मैं आपको थोड़े बलून्स रेडी करके दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक बलून रेडी कर दिया है, उसमें ये देखिए पानी भरा है थोड़ा सा पिचकारी से और बाद में पंप से मैंने हवा भर दी। तो इसी साइज़ के सारे बलून हम बनाते जाएंगे एक एक करके। देखिए, ऐसे हम पिचकारी पे पानी भर के रखेंगे, फिर आगे की साइड में ऐसे बलून को लगा देना, फिर उसमें पूरा पानी खाली कर देना है तो वो पूरा भर जाएगा, पानी जितना चाहिए उतना, और बाकी का पोर्शन हम हवा से भरेंगे। देखिए, बाकी के पोर्शन में मैंने हवा भर दी है, ये नीचे देख सकते हैं आप, पानी दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे पानी भर देना है, फिर हवा भर देनी है, ऐसे करके सारे बलून्स हमको रेडी कर देने हैं। ये हमारा दूसरा बलून है। तो ऐसा सारे बलून्स रेडी करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने ये सारे बलून्स जितने ज़रूरी थे उतने फुला के रख दिए हैं। उसमें थोड़ा पानी भरा है और बाद में हवा भर के उसको पैक कर दिया है। अभी यही बलून्स हम बाद में वो डेकोरेशन जो करना है 1 मंथ सेलिब्रेशन का, उसमें यूज़ करेंगे। डेकोरेशन का पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, ये चैनल ये वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ये चद्दर है जिसको हम बेज में यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ये दूसरा यूज़ होगा हमारा प्लेन कपड़ा, जो अच्छा उठाव देगा हमारे काम को, जो भी हम डेकोरेशन करेंगे उसको। उसके बाद में हमको चाहिए ये होली के कलर्स, 4 कलर्स हैं मेरे पास, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर चाहिए 1 नंबर का बलून और चाहिए 2 पिचकारी हमको। ये सब होगा तो डेकोरेशन अच्छे से हो पाएगा। और बलून्स तो हमने पहले से रेडी ही करके रखे हैं, ये रहे वो बलून्स जो हमने पहले से रेडी करके रखे हैं। अभी सबसे पहले हमको चद्दर का बेस बना देना है अच्छे से। तो चद्दर का बेस बन जाएगा, फिर उसके ऊपर हमें चाहिए ये कपड़ा, प्लेन कपड़ा जो हमने लिया था, अभी उसको उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है प्लेन कपड़े को। देखिए, मैंने उसको अच्छे से लगा दिया है। अभी आजू बाजू की जो चद्दर की बॉर्डर है उसको नीचे अच्छे से सरका के लगा देना है। ऐसे करने से आपका फिनिशिंग अच्छा लगेगा और पूरे जो बैकग्राउंड है उसका कलर प्रॉपर लगेगा। देखिए, ये करने के बाद कैसा लग रहा है। मैंने उसकी बॉर्डर्स को पूरा अच्छे से नीचे सटा दिया है, तो आपका ये पूरा प्लेन ही लगेगा, चद्दर आपको दिखेगी ही नहीं। और अभी हम कलर्स लगाएंगे। 4 कलर्स मेरे पास जो अवेलेबल थे, रेड, येलो, ग्रीन और पिंक, वो 4 कलर्स मैंने ऐसे अच्छे से सजा दिए हैं। अभी हम आगे देखते हैं, आगे हमको रखनी है पिचकारी। पिचकारी को पूरा खोल के रखिए दोनों पिचकारी को, और ऐसे क्रॉस में रख दीजिए तो वो अच्छा
दिखेगा हमको और हमारा डेकोरेशन भी अच्छा लगेगा उससे। फिर है एक नंबर का बलून, वो बाहर मिल जाएगा आप किधर भी, उसको फुला के आपको उसे उधर लगा देना है। अभी अगली चीज़ हम जो रखेंगे वो है हमारा बलून्स। ये जो बलून्स हैं जो मैंने पहले से फुला के रखे हैं उसको हमको पूरी बॉर्डर में लगा देने हैं अच्छे से एक एक करके। और फिर जो बेबी सोएगा जो जगह पे उसके आजू बाजू में भी हम उसका डेकोरेशन करेंगे। देखिए मैंने एक बॉर्डर पूरी बना दी है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब पूरा बॉर्डर मैंने बना के रख दिया, देखिए पूरे बॉर्डर। देखिए ये जो खाली जगह थी उधर हमने बेबी की गद्दी रख दी है और आजू बाजू में बाकी के जो बलून्स बचे हुए थे उसको लगा दिया है। देखिए बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।